ओके तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स एमएस वर्ड के अंदर क्यों यूज किए जाते हैं या उनका क्या पर्पस होता है, राइट? तो इनको यूज करने का पर्पस और इनको कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, ये सारी चीजें देखते हैं और प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट, आपने बहुत सारे बुक्स देखे होंगे जो एज अ सॉफ्ट कॉपी में आते हैं, या बहुत सारी थीसिस वगैरह होती हैं जो हम एमफिल या आप समझ लें पीएचडी वगैरह के अंदर लिखते हैं, या आपके कुछ आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, या बहुत सारी ऐसी आप समझ लो कि चीजें होती हैं जिनमें हमारे पास क्या होता है कि स्टार्ट वाले जो पेजेस होते हैं जिनको हम कंटेंट्स भी कहते हैं या इंडेक्स कहते हैं अगर आप बुक वगैरह राइट कर रहे हैं, सही है? तो उसमें ये सारी चीजें क्यों दी जाती है अगर आपका वो सॉफ्ट कॉपी में बुक है? तो उसमें सिर्फ इसीलिए दी जाती है ताकि आप किसी भी टॉपिक, किसी भी आप समझ लो हेडिंग के ऊपर जाना चाहें तो डायरेक्ट उसी के ऊपर कंट्रोल के साथ क्लिक करें और आप डायरेक्ट वहां पे जा सकते हैं अगर वो डॉक्स में फाइल है, यानी एमएस वर्ड में। लेकिन अगर आपने एमएस वर्ड में फाइल बनाई और आपने उसको पीडीएफ में सेव किया तो फिर कंट्रोल के साथ क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक लिंक बन जाती है, सही है? ओके, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स को अप्लाई करने का एक तरीका है, मैं उसको प्रैक्टिकली बता देता हूं कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होगा ये कि जब भी आप टेबल ऑफ कंटेंट को अप्लाई करें तो आपके जो पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर आपको लग रहा है हेडिंग्स हैं, या जिन जिन हेडिंग्स पे, जिन जिन आप समझ लो टॉपिक्स के टॉप हेडिंग पे जाना है उनको आपने सबसे पहले लिखना है। अब जैसे कि मैं अगर लिखूं कि मैं एक थीसिस वगैरह के लिए लिए बना रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे आके सबसे लिखूंगा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद मैं लिखूंगा एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट के बाद फॉर एग्जाम्पल जो भी आपको बेहतर लगे, कोई टॉपिक है या कुछ भी है उस तरह से आप कई चीजें देते हैं, जैसे मेथोडोलॉजी हो गई, ठीक है? मेथोडोलॉजी के बाद अगर मैं यहां पे आके लिखूं सपोज कॉन्क्लूजन, ये मेरे पास कुछ जो है वो चीजें काफी है इस तरह से। अब मेरे पास ये कुछ चीजें जो है वो किस वे में है कि मैं यहां पे आके ये जो चीजें हैं मेरे डॉक्यूमेंट की टॉप हेडिंग्स होंगी, सही है? अब इन हेडिंग्स को मैं किस तरह से यूज करने वाला हूं वो उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है? नाउ तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमें काम करना है कि इन टॉप हेडिंग्स को आपने कोई ना कोई हेडिंग अप्लाई करनी है। अब हेडिंग अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, तो होम में जाए, यहां पे आपको शो हो रहा होगा हेडिंग वन, हेडिंग टू, तो यहां पर आके सारे की सारी इन हेडिंग्स को क्या अप्लाई कर दें, हेडिंग वन अप्लाई कर दें, हेडिंग टू अप्लाई कर दें, जो आपको बेहतर लगता है वो अप्लाई कर दें। अच्छा जी, अच्छा कभी कभार हमारे पास क्या होता है कि कभी कभार किसी चीज की एक होती है टॉप हेडिंग और कुछ होती है सब हेडिंग्स, इस तरह से भी होता है ना हमारे पास। अब अगर मैं आपको कहूं कि यहां पर आके इंट्रोडक्शन में अगर लिखूं कि भाई क्लाउड का इंट्रोडक्शन लिखना है मुझे, क्लाउड एक टेक्नोलॉजी है, उसके बाद एक समझ लो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है एक समझ लें कि टॉपिक है मेरा जो थीसिस के अंदर मैं लिखने वाला हूं, ये सब हेडिंग होगी, यानी मैं इनका इंट्रोडक्शन लिखने वाला हूं, और फिर मैं लिखूं कि यहां पे आके कुछ मॉडल्स होंगे जिसको मैं डिफाइन करने वाला हूं, जैसे यूटार्ट हो गया, ठीक है? और उसके अंदर में जो है फिर समझ लो इसकी भी समझ लें हेडिंग होगी, लेकिन मैं इसको कहता हूं टेम। अब ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहां पे हमारे पास ये होगी टॉप हेडिंग और ये सारे की सारी क्या होंगे, हमारी सब हेडिंग होगी। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मॉडल्स जो बने, यहां पे आके मैं एक हेडिंग लिख देता हूं मॉडल्स, लेकिन उसके बाद ये उसकी भी सब हेडिंग्स बने, कॉन्सेप्ट क्लियर? यानी ये कुछ इस तरह से आपने टेबल ऑफ कंटेंट देखे होंगे कि इंट्रोडक्शन, फिर उसके अंदर कुछ इस तरह से दिखा रहा होता है ना, थोड़ा स्पेस लगा के, फिर सपोज क्लाउड, फिर समझ लें यहां पे आके हमारे पास क्या होता है एसएमईज होता है, फिर आप समझ लें यहां पे आके क्या होता है मॉडल्स होता है, और इसी के आगे मॉडल्स सब हेडिंग होती है ना, तो इसी के आगे हम यहां पे आके क्या लिख रहे होते हैं, यहां पे आके हम कुछ और चीजें लिख रहे होते हैं, जैसे कि अगर मैं यहां पर लिखूं तो मॉडल्स के अंदर होते हैं जैसे आपके पास यू डॉट, फिर आप समझ लें कि क्या होता है भाई हमारे पास टेम। अब ये मेरे सवाल टॉपिक है, ठीक है? ये होगी टॉप हेडिंग, ये क्या होगी सब हेडिंग, और ये होगी उसी की भी सब हेडिंग, कौन से क्लियर हो गया?
अब इस तरह से आप लोगों ने देखा, लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट में हम ऐसे मैन्युअली नहीं करते, ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद प्रोवाइड करता है कौन, टेबल ऑफ कंटेंट। तो ये सारी चीजें हमें कैसे देनी पड़ेगी उस पे आते हैं। तो मैं इन सबको हटाता हूं और ये सारी चीजें हम टेबल ऑफ कंटेंट से मांगते हैं। किस सेंस में होगा, तो मैंने आपको बताया यहां से भी हेडिंग सप्लाई कर सकते हो, या सबसे अच्छा एक तरीका ये है कि रेफरेंसेस के अंदर जाओ, यहीं पे टेबल ऑफ कंटेंट है और यहीं के यानी इसी टेबल ऑफ कंटेंट के साथ दो आपके और ऑप्शन है, एक है ए टेक्स्ट और दूसरा है अपडेट टेबल। तो इनका भी बहुत अच्छा यूज है। तो जो आपको लगे कि हमारी टॉप हेडिंग है उसको सिलेक्ट करो और यहां पे ए टेक्स्ट के अंदर जाके उस पर लेवल वन अप्लाई कर दो। लेवल वन यानी टॉप हेडिंग, कौन से क्लियर हुआ? तो मैं यहां पे आके उसके ऊपर क्या अप्लाई कर दूंगा, लेवल वन। उसके बाद मुझे लग रहा है कि क्लाउड, एसएमईज और मॉडल, ये तीनों जो हमारी हेडिंग होंगी वो सेकंड लेवल पे आएंगी। कौन से क्लियर हुआ, यानी उसकी सब हेडिंग है। तो मैंने उसको सब हेडिंग अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मॉडल्स की जो सब हेडिंग होंगी, यानी इसके बाद भी सब हेडिंग्स होंगी, तो मैं यूटार्ट और टैम को सिलेक्ट करूंगा और यहां पे क्या अप्लाई कर दूंगा, लेवल थ्री अप्लाई कर दूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? उसके बाद ये हमारी वैसे ही सारी की सारी लेवल वन बनेंगी, है ना, ये टॉप हेडिंग है ना, तो उनको मैं लेवल वन अप्लाई कर दूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब ये अप्लाई करने के बाद आप इनको सिलेक्ट करके, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिलेक्ट करके फिर टेबल ऑफ कंटेंट अप्लाई कर देते और कुछ भी नहीं आता, खाली हो जाती, ऐसे है? तो ये मत किया करें। आपको करना क्या है, इनको हेडिंग सप्लाई करने के बाद अनसिलेक्ट करना है या डिसलेक्ट करना है, सही है? उसके बाद यहां पे आके आपको जहां पे टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए वहां पे आके क्या कर दो, कर्सर को रखो और यहां पे टेबल ऑफ कंटेंट से जाके अपनी मर्जी का जो टेम्पलेट आपको बेहतर लगता है वो सिलेक्ट करो और इंसर्ट कर दो। कौन से क्लियर हुआ? तो मैं ये वाला आके सिलेक्ट करता हूं। तो देखें इसने किस तरह से दे दिया, ये देखें, मैं इनकी थोड़ी सी फॉन्ट साइज छोटी करता हूं ताकि थोड़ा सा आपको ये नजर आए। ये देखें अब इसने किस सेंस में, देखो ये हमारी क्या हो गई, टॉप हेडिंग, उसके बाद ये सब हेडिंग्स और उसी मॉडल्स की सब हेडिंग क्या है, इस तरह से। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब बहुत सारे बच्चों को मसले क्या आते हैं कि चलो ये हमने अप्लाई कर दिया तो फिर नीचे लेके जाना मसला होता है। तो बेशक आप क्या करो, भले पूरी थीसिस पूरा बुक लिख दो एक बार, लेकिन हेडिंग्स जो भी आप वहां पे लिख रहे हो उन हेडिंग्स का नाम अप्लाई करने के बाद उनके ऊपर लेवल जरूर अप्लाई करनी है, यानी रेफरेंसेस में जाके यहां से लेवल अप्लाई करना जरूरी है या होम से जाके यहां से हेडिंग्स अप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के अलावा टेबल ऑफ कंटेंट अप्लाई नहीं होंगे। कौन से क्लियर हुआ? तो ये डालना जरूरी है, सही है? और कभी कभार ये होता है कि आप जब इनको लिखने के बाद यहां से कट और कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो फिर मसले आते हैं। तो हम क्या करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट अप्लाई किए, फिर उस हेडिंग को कट किया और दूसरे पेज पे जाके उसको बिल्कुल टॉप पे रख देंगे, इस तरह से, सही हुआ? और यहां पे आके मैं एक डमी टेक्स्ट लिख देता हूं और एंटर कर देता हूं। तो मेरा ये कुछ डमी टेक्स्ट था जो मैंने यहां पे पुट कर दिया है। उसके बाद मैं यहां पे आके जो बाकी का डमी टेक्स्ट है उसके लिए दूसरी हेडिंग को चूज करता हूं, ये इस तरह से हुआ कुछ, सही है? और मैं यहां पे आता हूं और दूसरी हमारी कौन सी हेडिंग थी, क्लाउड है, एसएमईज, मॉडल्स, में सबको कट कर देता हूं यहां से और वन बाय वन यहां पे नीचे रखते जाऊंगा, सही है? और सेकंड पेज पे मैं यहां पे आके रख देता हूं, क्या रख देता हूं, हमारी जो दूसरी हेडिंग है, इस तरह से। फिर बाकी को मैं कट कर लूंगा, फिर यहां पे चाहिए, फिर यहां पे एसएमईज को रखना है, हमारा वैसे भी डमी टेक्स्ट है, समझाने के लिए है। और हम दूसरे पेज पे क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि लाजमी है हमारे अलग अलग हेडिंग्स होंगे ना, तो इस सेंस में, और हर टॉपिक की अलग से एक हेडिंग होती है तो आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद यहां पे आना, एसएमईज हो गई, ठीक है भाई, और यहां पे पेस्ट करते हैं हमारी हेडिंग्स को और इसको भी कट कर देते हैं, फिर एंटर, इज इक्वल टू आर ए एन डी, ये आपको डमी टेक्स्ट दे देगा और मैं इसके ऊपर एक हेडिंग डाल देता हूं, इसको कट कर देंगे, यहां पे आ जाएंगे कंट्रोल एंटर न्यू पेज के लिए,
फिर यहां पे आके 1,1 का आपको एक पैराग्राफ मिल जाएगा, और यहां पे आके इसको कट कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल एंटर न्यू पेज, इसको पेस्ट कर देंगे और यहां पे कुछ डमी टेक्स्ट इंसर्ट कर देंगे। सही है, ये हमने पढ़ा हुआ है पूरी, आपके पास जो है ये चीजें हमने ऑलरेडी की हुई है। और यहां पे लास्ट हेडिंग होगी और इसके ऊपर में रेंड लगा के 1,1 दे दूंगा, इंटर। सही है, अब ये हमारे कुछ पेजेस थे जिसके ऊपर हमने क्या अप्लाई कर दिया, हेडिंग अप्लाई कर दी। अब देखिए यहां पे अभी भी बता रहा है कि इंट्रोडक्शन की जो हमारी समझ लो वो हेडिंग है कौन से पेज पे पड़ी है, पेज 1 पे पड़ी है। तो इसको आपने अपडेट करना पड़ेगा रेफरेंसेस के अंदर, टेबल ऑफ कंटेंट्स के इसी पूरे ग्रुप में एक तीसरा ऑप्शन है अपडेट टेबल, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो अपडेट टेबल के ऊपर क्लिक करो तो यहां पे आता है अपडेट पेज नंबर्स ओनली। अभी अगर आप अपडेट पेज नंबर्स करेंगे ना ओनली, तो इसमें यह होगा कि जो हेडिंग्स जिस आपने पेज पे पेस्ट की है उस पेज का नंबर यहां आ जाएगा। चले मैं करता हूं, देखिएगा, ये देखिए अब बोल रहा इंट्रोडक्शन कौन से पेज पे पड़ा है, सेकंड पे, और आपके पास क्लाउड कौन से पेज पे पड़ा है, थर्ड पे, और इसी तरह से आपकी थीसिस वगैरह बन रही होती है। बहुत सारे काम फ्रीलांसिंग के इसी तरह के आते हैं, या बहुत सारे जो फोटो स्टेट वगैरह के काम कर रहे होते हैं लड़के, उनको भी ये सारी चीजें जो है करनी पड़ती है। सही है, क्योंकि थीसिस की सेटिंग करना जरूरी होता है, उस फॉर्मेट में लाना जो यूनिवर्सिटी जो कॉलेज इसको फॉलो कर रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सही। फिर उसके बाद हमारे पास ये होता है कि जो हमारी ये हेडिंग्स है, चलो ये तो था कि अपडेट करो पेज नंबर्स ओनली, लेकिन कभी कभार ये होता है कि हमारे पास हेडिंग्स आगे पीछे हो जाती है। जैसे इंट्रोडक्शन देखे सीक्वेंस में है ना, फिर क्लाउड था तो क्लाउड आ रहा है, लेकिन कभी कभार ये होता है कि इंट्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल, या आपने कोई ऐसी हेडिंग जैसे टेम है, टेम की हेडिंग जो है मैंने क्या कर दी, ऐसी मी से पहले रख दी, कहां रख दी, यहां पे, फॉर एग्जाम्पल। तो क्या हो जाएगा, आप समझ ले क्या हो गया, हेडिंग्स आगे पीछे हो गए, हो गए ना। अब यहां पे देखो टेम जो है एब्स्ट्रैक्ट से क्या है, पहले है ना, मैंने उसको कहां रखा है, ये देखिए, सही है, यूटार्ट से पहले मैंने क्या रख दिया, टेम रख दिया, यानी ये हेडिंग्स आगे पीछे हो गई, जबकि यहां पर देखें यूटार्ट पहले है ना ये वाला मॉडल, और हमने किसको पहले रखा है, टेम को ऊपर रखा है, यूटार्ड को नीचे रखा है। तो कभी कभार हेडिंग्स भी अगर आगे पीछे हो जाए तो आप यहां पे अपडेट टेबल पे आके क्या कर लोगे, अपडेट इंटायर टेबल। कॉन्सेप्ट क्लियर, ताकि वो जो हेडिंग्स भी आगे पीछे आपने पेस्ट की है ना, वो ऑटोमेटिक उसी तरह से टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स को भी मैनेज कर लेगा जिस तरह से आपने सीक्वेंस नीचे दिए। सही है, तो इस तरह से अगर मैं ओके करता हूं, देखें टेम ऊपर आ गया और यूटार्ड नीचे आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो इसी तरह से आप टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स को यूज करते हैं, और इनको बेसिकली यूज ही इसीलिए किया जाता है ताकि यहां पे क्लिक करें तो उस पेज पे चले जाए। तो मैं यहां पे आके कंट्रोल के साथ अगर एब्स्ट्रैक्ट पे क्लिक करूंगा ना, तो मैं डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट पे चला जाऊंगा, ये देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? लेकिन मैंने कहा अगर इसको हम सेव एज करते हैं पीडीएफ, सेव एज ब्राउज करके, और मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूं, और इसको जो है इसकी देखे सेव एज टाइप आ रहा है, इसकी टाइप में रख देता हूं एज ए पीडीएफ। तो यहां पे आके आप पीडीएफ को सिलेक्ट करें, पीडीएफ, और मैं ओके कर देता हूं, और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आपको ये पीडीएफ में फाइल मिलेगी। सही है, ये ओपन करके भी बता रहा है, ये देखें, अब आप देखें इस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट मूव हो जाओगे वहां पर, श्योर है इस तरह से। तो मैं यहां पे आता हूं, इसको ये देखें पीडीएफ में है ना, इसको मैं यहां पे किसी फॉक्स रीडर वगैरह है मेरे पास नहीं है, तो मैं काम करता हूं इसको गूगल क्रोम के ब्राउजर के अंदर भी ऑन कर सकता हूं पीडीएफ फाइल को, तो मैंने उसमें ऑन कर दिया। और देखिए मैं यहां पे आके किसी पे भी क्लिक करूंगा, ये लिंक बन चुका है, ये देखें टेम पे आ गया मैं। तो इतना फायदा देते हैं आपको कौन, टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो।